नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी। आइए रुक करते हैं खबर क्यों। राष्ट्रमीणा महासभा ने सचिन पायलट को दिया ज्ञापन। राष्ट्रमीणा महासभा भरतपुर की ओर से कोटा निजामुद्दीन जनशताब्दी में निजामुद्दीन से गंगापुर की ओर सफर करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं विधायक सचिन पायलट को सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिसमें आगामी राज्यसभा चुनाव 2022 में राजस्थान से अनुसूचित जनजाति समुदाय के किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनने के लिए कहा गया। इस मौके पर जानकारी देते हुए राष्ट्रीय मीणा महासभा के मुख्य महासचिव भूपेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय मीणा महासभा सहित सभी आदिवासी संगठन एकजुट होकर इस बात के लिए प्रयासरत है कि कांग्रेस की ओर से आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से किसी आदिवासी नेता को चुनकर भेजा जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय मीणा महासभा के विधि सलाहकार एडवोकेट वनय सिंह मीणा, भोमपाल मीणा, रविंद्र सिंह जिला अध्यक्ष एसटीएससी परिसंघ, राजेंद्र सिंह मीणा, अशोक कुमार मीणा, थानाधिकारी देवी सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें, सचिन पायलट ने सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि आपकी मांग को दिल्ली तक जरूर पहुंचाया जाएगा। वहीं अंत में राष्ट्रीय मीणा महासभा के द्वारा पायलट का माला साफा व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी।